रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टू टी वी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहां पे इस्लामाबाद में। ये जो लोक मेला है यहां पे लगा हुआ है और 4 तारीख तक ये लोक मेला रहेगा लोक वर्षा में। हर साल में ये रंगारंग मेला जो है यहाँ सजाया जाता है और इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ पे 8-10 दिन जो है ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बाहर से भी जो लोग आने वाले हैं उन्हें जो यहाँ पे तफरीक का भरपूर मौके मुयसर आते हैं। यहाँ पे आपको रंगारंग जो सकाफत है चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलबित, उसके मना आपको जो है वो मनाजिर नज़र आएंगे। यहाँ पे उसकी जो मुख्तलिफ मसनूआत हैं चारों सूबों की और उनके जो वहाँ पे खाने हैं, जो चीज़ें उनकी, जो भी जिस सूबे की जो भी खासियत है, जो चीज़ जिसकी वजह से उसका एक नाम है, तो वो हमें यहाँ पे मिलती है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे जो सिंध का जो स्टॉल है यहाँ पे, उसमें हम मौजूद हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको सिंधी अजरक भी नज़र आएगी, चादर भी नज़र आएंगी, मैट भी नज़र आएंगी और ये तमाम जो सामान है ये दस्तकारी का सामान है और ये बड़ा खूबसूरती के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है। यही वजह है कि यहाँ पे स्टॉल्स को अभी ये दिन का वक्त है, लोग अगरचे बड़ी तादाद में मौजूद हैं लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि दफातर में और स्कूलों में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में जब शाम को जब छुट्टी होती है उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोग, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी जो है वो करते हैं। तो आपको दिखाते हैं अभी, ये देखें एक स्टॉल है, इसमें आप ये देखें ये आपको ख़वातीन के जो चार्जर्स हैं वो अगर नज़र आएंगी, इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं ये आपको देखें, एक और चीज़ ये बड़ी मेहनत के साथ जो है वो तैयार की गई हैं, ये आप सामने भी देख सकते हैं। ये तमाम जो है स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और उनमें हर तरह का आपको यहाँ पे वैरायटी जो है वो नज़र आएगी और ये जो वैरायटी है ये किसी भी जो सूबा है, मैं समझता हूँ कि जो भी सिंध की अगर हम बात करें या दीगर सूबों की बात करें तो उनकी बड़ी जो है ये उसकी जो है यहाँ पे बहुत पसंद की जाती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए यकीनी तौर पे शायद ये नई चीज़ है। यहाँ पे आप देखें ये एक चादर है और ये बड़ी मेहनत के साथ तैयार की गई है, ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ। ये एक और, ये एक और ड्रेस ये आपको हम आपको दिखाते हैं ये, और उसके पीछे अब चलें तो आपको ये और भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसमें जो शीशा जो है बीच में लगाया गया है और ये इस यही इसका नाम बता देंगे आप, ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा, ये डाइनिंग टेबल का देखें, ये कमरा है और बड़ा खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इसी तरह ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे बेड शीट्स हैं यहाँ पे, ये आप देखें ये बेड शीट्स हैं, बड़ी खूबसूरत इनका जो आपको मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज इसमें आपको नज़र आएगा। और ये जो ये दूसरी तरफ वो देखें, वो भाई दिखा रहे हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत एक बेहतरीन, बड़ी इसमें शीशा भी लगा हुआ है और ये भी बेड शीट्स इस तरह के, ये ऊपर आपको देख सकते हैं इसी तरह का। तो ये एक बड़ा जो है वो बेहतरीन, यहाँ पे ख़रीदारों का बड़ा जो है रश होता है। और ये अगर हम आपको पीछे दिखाएं, ये चीज़ ये देखें, मैट्स आपको नज़र आएंगे, ये टेबल्स का जो कपड़ा है वो आपको नज़र आएगा और ये जो है वो इसके साथ साथ। भाई ये क्या प्राइस है इसकी? जी 4000 है। अच्छा, ये कहाँ से आप लाए हैं? धामड़ी से। कौन सा इलाका है? सिंध। अच्छा, तो क्या लोगों, खरीदारों की क्या सूरत हाल है? कितने दिन से इधर स्टॉल लगाए हुए? अच्छा, तो क्या अब ये कोई महंगाई की वजह से इस तरह हो रहा है? लोग महंगाई की वजह से कम है या वैसे आपके इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जी? अच्छा, तो कितनी सेल हो जाती है? अच्छा, आपको नहीं पता, सेल तो आप ही करते हैं। जमीन ये देखें आप, इस वक्त भी आपको यहाँ पे रश नज़र आएगा। ये यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी और दीगर चीज़ें भी, ऊपर जो है शाल्स वगैरह भी नज़र आएंगी और हर किस्म के यहाँ पे कैप्स आपको नज़र आएंगी। ये आप इधर इधर आएँ, ये अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक और जो सकाफत का एक और जो रंग है ये आपको दिखाते हैं, ये भी आपने यकीनी तौर पर वाला महसूस करने वाला है। ये देखें, ये देखें जनाब कि किस तरीके से यहाँ पे
ये एक सकाफ़ती रंग जो है वो पेश किया जा रहा है। लोग वो बड़े जो है ना, ये चीज़ें रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल एक नई, मैं समझता हूँ कि तफरी का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सामान है। ये देखें,